हेलो गाइस, वेलकम टू अभियान IAS एकेडमी। माई सेल्फ पूजा, आई एम UGC नेट होम साइंस फैकल्टी हियर। तो कल की जो क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का टॉपिक कवर किया था, जिसमें प्रोटीन के सेक्शन में हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो था वो छूट गया था। जितने भी हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं, मैंने बताया था जो प्रोटीन हमारा होता है उसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिससे वो बनता है वो होते हैं अमाइनो एसिड्स, जो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, एक होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, हमें बाहर से इंटेक करना पड़ता है थ्रू डाइट। और जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं जो हमारी बॉडी जो है सिंथेसाइज कर लेती है। तो UGC नेट में एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के नाम अधिकतर पूछे जाते हैं या फिर ऑप्शंस दे दिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा एसेंशियल अमाइनो एसिड है और इनमें से कौन सा एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है। तो ये जो नौ एसेंशियल अमाइनो एसिड है इसके नाम आपको याद होना चाहिए, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलेनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन एंड वलीन। ये जो नौ नाम है ये नौ आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है UGC नेट में कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं, तो उनका जो नंबर होता है वो होता है हमारा 9। दूसरा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बाद आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होंगे हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें हमारे विटामिंस और मिनरल्स आएंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने के बाद मैक्रो और माइक्रो का मिला के कंबाइन हम एक क्लास लेंगे जिसमें हम सिर्फ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ को कवर करेंगे, क्योंकि जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ का टॉपिक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो टॉपिक हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इंट्रोडक्शन देंगे हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, फंक्शंस एंड डाइटरी सोर्सेस। तो जैसा मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें हमारी दो क्लासेस आती हैं, एक होता है हमारा विटामिन, दूसरा होते हैं हमारे मिनरल्स। जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हमारा विटामिन्स का। जो हमारे विटामिन्स होते हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं दो टाइप्स में, जिसमें हमारे आते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स वो होते हैं जिनको अपने एब्जॉर्प्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, और फैट सोल्यूबल विटामिन्स की जब एब्जॉर्प्शन होती है तो उनको उसके लिए फैट की ज़रूरत होती है। तो जो हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं इसमें हमारे आते हैं बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स एंड विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स। और जो हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं उसमें हमारे बेसिकली चार विटामिन्स आते हैं, ए, डी, ई एंड के। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं अभी हम इनका पहले वन बाय वन इनका पूरे का डिस्क्रिप्शन देखेंगे, उसके बाद हम आगे गो थ्रू करेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन्स का। तो सबसे पहला जो विटामिन हम लेंगे वो लेंगे हम विटामिन सी, जिसका दूसरा नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। जो भी ये नाम होते हैं हर एक विटामिन के ये याद होने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये कई बार डायरेक्ट पूछे भी जाते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन सी है उसको किस नाम से जाना जाता है, विटामिन B1 है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो जो हमारा विटामिन सी है वो होता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी हमारा दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, एक होती है रिड्यूस्ड फॉर्म और एक होती है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। जो हमारा एस्कॉर्बिक एसिड है वो हमारी रिड्यूस्ड फॉर्म होती है, और जो हमारी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है वो होती है डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड। जो हमारा रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है वो दोनों इंटरचेंजेबल होती है। फॉर एग्जांपल अगर रिड्यूस्ड फॉर्म है उसमें कोई भी अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो सकता है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, और अगर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में और अगर वो रिड्यूस हो गया तो वो कन्वर्ट हो सकता है हमारा रिड्यूस्ड फॉर्म में। जो विटामिन सी होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल वो बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव होता है, लाइट सेंसिटिव होता है, मतलब एक्स्ट्रा एक्सपोजर होता है हीट से या लाइट से, या फिर कोई भी हम विटामिन सी की का खाना बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी डिश हम बना रहे हैं अगर हम उसको ओवर कुक कर देते हैं तो चांसेस होते हैं कि जो विटामिन सी का उसमें कंटेंट प्रेजेंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है।
अब हम बात करते हैं विटामिन सी के फंक्शंस की, जिसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, जिसमें सबसे फर्स्ट फंक्शन अगर हम बात करते हैं वो होता है कोलेजन सिंथेसिस। अगर हम सबसे पहले देखते हैं कि कोलेजन होता क्या है, तो कोलेजन जो होता है हमारा एक तरह से एक फाइब्रस मसल टिश्यू बोल सकते हैं हम उसको, जो हमारे स्किन, हमारे मसल, हमारे टेंडन्स या फिर जो हमारे बोन्स एंड कार्टिलेज है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो उनकी फॉर्मेशन करने में एक तरीके से विटामिन सी हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा एंटीऑक्सीडेंट। फॉर एग्जांपल हम सबसे कॉमन एग्जांपल लेते हैं कैंसर का। कैंसर में बताया जाता है कि जितना आप विटामिन सी का इंटेक करोगे उतना बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो विटामिन सी होता है वो हमें फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है, और क्योंकि वो फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है इसीलिए कहा जाता है कि विटामिन सी एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट। उसके आगे आता है हमारा आयरन एब्जॉर्प्शन। अब आयरन एब्जॉर्प्शन में कैसे हेल्प करता है विटामिन सी, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन है विटामिन सी का, जो एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। जो हमारा आयरन होता है वो होता है फेरिक फॉर्म में, जो हमारी बॉडी में होता है, बट आयरन का एब्जॉर्प्शन होने के लिए उसको कन्वर्ट होना होता है फेरस फॉर्म में, दैट इज़ Fe2। तो जो ये कन्वर्जन होता है आयरन का फ्रॉम फेरिक टू फेरस, ये करवाता है हमारा विटामिन सी। अगर आयरन जो है हमारा फेरिक से फेरस में कन्वर्ट नहीं होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि फेरिक फॉर्म कौन सी होती है और फेरस फॉर्म कौन सी होती है, और जो हमारी बॉडी में जो उसका आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है वो किस फॉर्म में होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारे विटामिन सी का। उसके अलावा हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में किस तरीके से टी सेल्स होते हैं हमारे, टी सेल्स एक तरीके से हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, तो टी सेल्स के प्रोलिफरेशन में ये हेल्प करता है। अब प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है, प्रोलिफरेशन का एक तरीके से मतलब होता है सेल का डिवाइड कराना। तो टी सेल का प्रॉपर डिवाइड कराने में एक तरीके से हेल्प करता है हमारा विटामिन सी। तो जितना टी सेल्स प्रॉपरली वर्क करेंगे उतना ही वो हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छा रहता है। नेक्स्ट जो फंक्शन होता है हमारा विटामिन सी का, वो होता है हमारे अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म। बेसिकली जिन अमाइनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म कराता है हमारा विटामिन सी, उसमें आता है हमारा टायरोसिन एंड एलानिन। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म एक तरीके से हमारी प्रोसेस होती है जिसमें दो तरीके के प्रोसेस इंक्लूड होती हैं, जिसमें एक होता है हमारा एनाबॉलिज्म और एक होता है हमारा कैटाबॉलिज्म। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि एनाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी भी चीज़ की सिंथेसिस कराना, यानी कि सिंपल से एक तरीके से कॉम्प्लेक्स चीज़ में उसको कन्वर्ट करना, बिल्डअप करना। कैटाबॉलिज्म का इससे उल्टा मतलब होता है किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन कराना। फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है तो डाइजेशन होने के लिए प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है, दैट इज़ कैटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के अंडर दो टर्म्स आती हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब है किसी चीज़ का सिंथेसिस होना, एंड कैटाबॉलिज्म का मतलब है किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन होना। तो जो अमाइनो एसिड्स जिसका मेटाबॉलिज्म में विटामिन सी हेल्प करता है वो होते हैं हमारे टायरोसिन एंड एलानिन। अमाइनो एसिड जो हमने बताया था प्रोटीन का एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जिससे कंबाइन करके एक प्रोटीन हमारा बनता है। नेक्स्ट फंक्शन होता है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस। न्यूरोट्रांसमीटर में जो सिंथेसिस में हेल्प करते हैं उसमें हमारे आते हैं एड्रीनलिन, नोरएड्रीनलिन, सेरोटोनिन। बेसिकली एड्रीनलिन, नोरएड्रीनलिन जो होते हैं ये हमारे हॉर्मोन्स होते हैं, जिनको एक तरीके से स्ट्रेस हॉर्मोन्स कहा जाता है। जब आप किसी भी स्ट्रेस में होते हैं या आपको कोई एंजाइटी होते है, आपको किसी बात का डर लगता है, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में एड्रीनलिन और नोरएड्रीनलिन का सिक्रेशन जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो हमारे स्ट्रेस हॉर्मोन्स होते हैं जो फिर आपके ब्रेन को एक तरीके से उस टाइम पे प्रॉपर फंक्शनिंग कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप किसी स्ट्रेस की कंडीशन में होते हो, आप किसी चीज़ को देख के एकदम से डर जाते हो, उस टाइम पे ऑब्वियस होता है कि आपको स्वेटिंग होती है। तो किस वजह से होती है, वो इन्हीं हॉर्मोन्स की वजह से होते हैं, और ये एक तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो इनके सिंथेसिस में भी हमारा विटामिन सी हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, डिटॉक्सिफाई करना।
डी का मतलब होता है रिमूव करना, किसको? टॉक्सिन्स को। टॉक्सिन्स में आ सकते हैं जैसे हमारे हैवी मेटल्स हो गए, लेड हो गया, क्रोमियम हो गया, जो एक तरीके से हमारी अगर ज़्यादा अमाउंट में हो जाते हैं तो हमारी हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट डालते हैं, तो उनके डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो एक तरीके से हमारी बॉडी को सफाई करने में हेल्प करते हैं हैवी मेटल से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे विटामिन सी के जो अभी हमने देखे। उसके बाद अगर हम डाइटरी सोर्सेज की बात करते हैं विटामिन सी के, तो नॉर्मली अगर याद रखने के लिए बोला जाए तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, सिट्रस का मतलब होता है खट्टे, तो इसके डाइटरी सोर्सेज में मेन हमारा आता है सिट्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फॉर एग्जांपल आंवला, लेमन, ग्वावा, ये सब रिच सोर्सेज होते हैं हमारे विटामिन सी के। जो आपने कैंसर में भी देखा होगा कि कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, या फिर नॉर्मल आजकल डिटॉक्सिफाई ड्रिंक्स भी चली हुई हैं, तो कोई होता है जो लेमन पील करके उसका एक सॉल्यूशन बना के उसको कंज्यूम करता है, तो वो सब इसीलिए होता है, डिटॉक्सिफाई करता है, फ्री रेडिकल से आपको प्रोटेक्ट करता है, एक तरीके से हमारे जो कार्सिनोजेनिक सेल्स हैं उनसे हमें प्रिवेंट करता है। अब जितने भी विटामिन्स हैं या फिर जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी है, प्रोटीन हो गया हमारा, फैट्स हो गए, उनका एक रिकमेंडेड अमाउंट होता है जो हमारा आरडीए की टेबल में दिया होता है। आरडीए जो होती है हमारे रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, तो इसकी जितने भी विटामिन्स हैं या जो हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी क्लास ली थी उसमें हमने किसी का भी आरडीए डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि वो हम एक सेपरेट क्लास लेके उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर 2020 में आरडीए की जो टेबल है वो नहीं आई है, तो उसकी हम एक अलग से क्लास लेके उसको डिस्कस करेंगे। जो आरडीए की टेबल होती है उसमें से एक या दो क्वेश्चन आपका हमेशा आता है यूजीसी नेट में। अब हम बात करते हैं विटामिन सी की डेफिशिएंसी या एक्सेस होने में। तो जितनी भी डेफिशिएंसी डिजीज़ होंगी या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जितनी भी है, तो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उसमें अगर विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, उसके लिए हम एक अलग से क्लास लेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। वैसे जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है हमारे विटामिन सी की, उससे हमारा होता है स्कर्वी। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है कि विटामिन सी की वजह से डेफिशिएंसी अगर होती है तो उससे कौन सी डिजीज़ होती है। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जिंजिवाइटिस, यानी कि हमारे गम्स जो होते हैं उनमें ब्लीडिंग होती है, बट ये जितना भी डेफिशिएंसी के टॉपिक्स हैं ये हम अलग से एक क्लास में लेंगे। वहीं पर अगर हम एक्सेस की बात करते हैं, तो जितने भी वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, विटामिन सी या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जितने भी हैं, क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल है तो उनके एक्सेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्योंकि कल की क्लासेस में जब हमने वाटर का टॉपिक लिया था तो उसमें हमने बताया था कि इनटेक जो होता है वाटर का वो आउटपुट के इक्वल होता है, तो जो भी विटामिन्स होते हैं वाटर सोल्यूबल वो हमें डेली कंजम्पशन करना होता है, ना तो फिर वो डेली एक्सक्रीट आउट भी होते हैं हमारे वाटर के थ्रू, तो बहुत कम चांसेस होते हैं टॉक्सिसिटी होने के या फिर एक्सेस होने के जो भी वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। तो अभी जो हमने किया वो था हमारा विटामिन सी, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। दूसरा जो होता है हमारे वाटर सोल्यूबल में वो होते हैं हमारे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स। जितने भी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स है या फिर वो बी कॉम्प्लेक्स है और भी कोई विटामिन है, उनका जो नाम है वो याद होना बहुत ज़रूरी होता है। जो विटामिन B1 होता है वो होता है हमारा थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नायसिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरोडॉक्सिन, ये हमारे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स होते हैं जिनके नाम याद करने बहुत ज़रूरी होते हैं। B1 इज थायमिन, B2 इज राइबोफ्लेविन, B3 इज नायसिन, B5 इज पेंटोथेनिक एसिड, B6 इज पायरोडॉक्सिन,
बी नाइन इज फोलेट या फिर फोलिक एसिड भी जिसको बोलते हैं, बी सेवन इज बायोटिन एंड बी ट्वेल्व इज साइनोकोबालमिन। हालांकि अभी हम इनका सारा ब्रीफ में करेंगे, बट जो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो एक तो डायरेक्ट इनका नाम भी पूछा जाता है कि बी टू जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है या फिर किसी भी वाइटामिन का। दूसरा कि जो बी ट्वेल्व है उसको साइनोकोबालमिन क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। एक जो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो होता है कि बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी से कौन सा अनीमिया होता है और बी सिक्स की डेफिशिएंसी से कौन सा अनीमिया होता है। जो हमारा बी ट्वेल्व होता है उसकी डेफिशिएंसी से जो अनीमिया होता है वो होता है परनीशियस अनीमिया, और बी सिक्स या फॉलिक एसिड से जो अनीमिया होता है वो होता है हमारा मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। ये क्वेश्चन लगभग हर बार यूजीसी नेट में मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि बी ट्वेल्व और हर एक अनीमिया का नाम लिखा होता है या फिर वाइटमिन का नाम लिखा होता है मैच द फॉलोइंग में। तो बी ट्वेल्व अगर आप परनीशियस अनीमिया याद रखते हो तो वहाँ से भी आपका ये क्वेश्चन सही हो जाता है। तो अभी हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है थायमिन, उसके बाद जो हमारा फर्स्ट बी कॉम्प्लेक्स वाइटमिन आता है दैट इज़ बी वन थायमिन। जो थायमिन होता है इसका एब्जॉर्प्शन होता है हमारे ड्यूडिनम में, ड्यूडिनम हमारा एक पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो उसके तीन पार्ट्स होते हैं, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है हमारा ड्यूडिनम, उसके बाद आता है हमारा जेजुनम और सबसे नीचे वाला आता है हमारा ईलियम। तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो होता है हमारा थायमिन का वो सबसे ऊपर वाला जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन होता है ड्यूडिनम वहाँ पर होता है। उसके बाद अगर हम फंक्शंस की बात करें थायमिन की, तो उसके सबसे मेन फंक्शन होता है कि वो एज अ कोएंजाइम काम करता है। अब ये नाम याद होना बहुत ज़रूरी है, TPP दैट इज़ थायमिन पायरोफॉस्फेटेज, ये एक एंजाइम होती है जो बेसिकली एज अ कोएंजाइम जो थायमिन काम करता है तो इसी फॉर्म में करता है, TPP थायमिन पायरोफॉस्फेटेज। अब ये एंजाइम जो मेनली इन्वॉल्व होती है वो होती है हमारी एक जो ग्लाइकोलिसिस की साइकिल होती है उसमें, और जो दूसरा राइबोज और डीऑक्सीराइबोज होता है। अब ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, लाइसिस टर्म्स जहाँ भी यूज होती है वहाँ पे लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन होना। तो जहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है और ब्रेकडाउन होके वो कन्वर्ट होता है हमारा पाइरूवेट और लैक्टेट में, वहाँ पे जो एंजाइम काम करती है वो होती है थायमिन पायरोफॉस्फेटेज। दूसरा हमारा राइबोज और डीऑक्सीराइबोज जहाँ पे बनता है तो उनके बनने में भी जो कोएंजाइम हेल्प करती है वो होती है हमारी TPP। अब राइबोज और डीऑक्सीराइबोज होता क्या है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है DNA एंड RNA, जो हमारे जीन्स होते हैं, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, तो जो DNA और RNA होता है इनकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और वहीं पे अगर हम RNA की बात करते हैं दैट इज़ राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो जो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज बेसिकली ये शुगर होते हैं, इनके बनने में जो एंजाइम हेल्प करती है वो होती है हमारी थायमिन पायरोफॉस्फेटेज। तो ब्रीफ में देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है उसके भी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, बिकॉज बिना राइबोज और डीऑक्सीराइबोज के जो हमारा DNA और RNA वो बनेगा नहीं। उसके अलावा हम बात करें तो जैसे विटामिन सी की हमने बात की थी कि वो हाई लाइट सेंसिटिव होता है, हीट सेंसिटिव होता है, वैसे ही जो हमारा थायमिन होता है वो भी हीट सेंसिटिव होता है। इसके कुछ एग्जांपल हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पाश्चराइजेशन होता है, पाश्चराइजेशन करा जाता है ना मिल्क का, वो जब हम फूड साइंस करेंगे उसमें पूरी प्रोसेस आएगी पाश्चराइजेशन की, कि उसके तीन टाइप होते हैं, किस किस टेम्परेचर पे किया जाता है और किस किस टाइम पे किया जाता है वो कितने टाइम तक। तो उस प्रोसेस में पाश्चराइजेशन में थायमिन का जो लॉस होता है वो 10-20% तक थायमिन का लॉस हो जाता है। उसके अलावा सोडा की अगर हम बात करते हैं तो सोडा ज़्यादा लेने से भी थायमिन का लॉस होता है। खाने में कई बार बेसिकली मेन अगर हम बात करें छोले हो गया या राजमा हो गया, उनको बनाने में बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है ताकि वो थोड़ा सा उसमें फूल सके एक तरीके से। तो ज़्यादा सोडा का यूज़ करने से थायमिन का लॉस होता है। उसके बाद आती है हमारी
मिलिंग ऑफ ग्रेन्स, मतलब जो प्रोसेसिंग कराई जाती है हमारे ग्रेन्स की, फॉर एग्जांपल राइस की पॉलिशिंग कर देना, जो आउटर ब्रैन लेयर होती है उसको उतार देना। तो जो आउटर ब्रैन लेयर को उतारा जाता है उसमें जो थायमिन होता है हमारा उसका लॉस हो जाता है। उसके अलावा अगर हम डेफिशिएंसी की बात करते हैं थायमिन की, तो उसकी वजह से जो हमारी डिजीज होती है वो होती है हमारी बेरी बेरी। जो बेरी बेरी होती है वो कई टाइप की होती है, बेसिकली चार टाइप की होती है, जिसमें हमारी आती है ड्राई बेरी बेरी, वेट बेरी बेरी, वॉर्निक कॉर्शिकोफ सिंड्रोम एंड इन्फेंटाइल बेरी बेरी। जो भी ये डिस्क्रिप्शन है वो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी न्यूट्रिशन डेफिशियंसीज़ की उसमें भी होगा, बट फॉर अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ड्राई बेरी बेरी जिसमें अडीमा प्रेजेंट नहीं होता है, अडीमा का मतलब है वाटर रिटेंशन नहीं होता है, वेट बेरी बेरी जिसमें वाटर रिटेंशन हो जाता है, इन्फेंटाइल बेरी बेरी जैसे नाम से पता चलता है जो इन्फेंट्स में होता है। इन्फेंट्स की अगर हम बात करें तो इन्फेंट्स कौन होते हैं, जिनकी एज 5 साल से कम होती है वो होते हैं हमारे इन्फेंट्स। तो ये चार टाइप होते हैं हमारे बेरी बेरी के, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे ये होता है, ये सारा हम जो हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी क्लास होगी उसमें हमारा कवर होगा। वैसे ही हम टॉक्सिसिटी की बात करते हैं, टॉक्सिसिटी का मतलब एक्सेस होने की बात करते हैं, तो जैसा मैंने पिछले विटामिन सी में भी बताया था, जितने भी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स होते हैं उनकी एज सच टॉक्सिसिटी या एक्सेस होने के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि उनका डेली एक्सक्रीशन होता है। फिर भी अगर कभी कभार थोड़ा बहुत अगर एक्सेस हो जाता है तो उस केस में वो हार्मफुल नहीं होता है। ये था हमारा थायमिन। अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो होगा हमारा विटामिन B2, दैट इज़ राइबोफ्लेविन। तो थायमिन के बाद जो हमारा विटामिन B2 आता है, दैट इज़ राइबोफ्लेविन, उसकी अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि राइबोफ्लेविन को सबसे पहले डिटेक्ट कहाँ पे किया गया था। तो सबसे पहले राइबोफ्लेविन को 1879 पे, ईयर वैसे आज तक पूछा नहीं गया है, सिर्फ पूछा गया है कि कौन सा कंपाउंड था जिसमें उसको देखा गया था, तो दैट इज़ मिल्क। मिल्क में सबसे पहले राइबोफ्लेविन को, क्योंकि थोड़ा सा जो येलोइश शेड आती है मिल्क में, एक तो होता है कि काओ मिल्क में जो येलोइश शेड होती है वो उसकी वजह से होती है, फाइटोकेमिकल प्रेजेंट होता है, बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है। दूसरा, इसमें डिटेक्ट हुआ था एक कंपाउंड जिसको नाम दिया गया था लैक्टोफ्लेविन। लैक्टो का मतलब होता है मिल्क, फ्लेविन मतलब येलो, तो वहाँ पे इसको पहले नाम दिया गया था लैक्टोफ्लेविन, जिसमें बाद में इसका नाम चेंज किया गया राइबोफ्लेविन। अगर हम राइबोफ्लेविन के एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, तो जैसा थायमिन में एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ था, वैसे ही राइबोफ्लेविन का भी मेन जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। डिफरेंस क्या होता है कि जो थायमिन था उसका जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट इज ड्यूडिनम, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ था, और राइबोफ्लेविन की अगर हम बात करें तो जो सेकेंड वाला पोर्शन होता है जेजुनम, वहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसकी जो डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो डेफिशिएंसी में एज सच ज़्यादा कुछ नहीं है। राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी में 2-3 टर्म्स आती है जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होती हैं, जिसमें आता है हमारा एंगुलर स्टोमेटाइटिस, डर्मेटाइटिस, काइलोसिस। तो बेसिकली ये वैसे हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में भी कवर करेंगे। एंगुलर स्टोमेटाइटिस का मतलब होता है कि जो हमारा माउथ का कॉर्नर्स होता है वहाँ पर ना थोड़ा क्रैक आ जाता है। काइलोसिस का या फिर इसका मतलब होता है कि जो हमारा टंग है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो ये कुछ टर्म्स होती हैं मोस्टली रिलेटेड टू स्किन, वो राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से होती है। एक्सेस वही वाटर सॉल्यूबल है तो एक्सेस ऐसा होता नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हम विटामिन B3 की, दैट इज़ नायसिन। जो हमारा नायसिन है वो दो फॉर्म में होता है, एक होता है हमारा निकोटिनिक एसिड और दूसरा होता है हमारा निकोटिनामाइड। तो इसकी अगर हम सोर्सेज की बात करें तो एक तो डाइटरी सोर्सेज है कि हमने डाइट से कंज्यूम किया, जिसमें मेन हमारा आ गया एग, आ गया चीज़, आ गया मतलब मेनली एनिमल प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें। तो दूसरा होता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन जो अभी हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, जो हमारे अमाइनो एसिड थे उसमें एक अमाइनो एसिड था ट्रिप्टोफैन। तो अगर हमारे पास ट्रिप्टोफैन है तो वो भी कन्वर्ट हो जाता है हमारे नायसिन में, और वो भी एज अ सोर्स काम करता है नायसिन के लिए। अगर हम नायसिन की डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो उसमें जो डेफिशिएंसी से डिजीज होती है, दैट इज पिलाग्रा। पिलाग्रा में 3 D होते हैं, वो क्या होते हैं वो हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में कवर करेंगे। तो ये नाम याद रखना है कि नायसिन की डेफिशिएंसी से होता है हमारा पिलाग्रा। तो अभी हमारा हो गया थायमिन, राइबोफ्लेविन, नायसिन। B5 की हम बात करते हैं, पेंटोथेनिक एसिड, जिसके रिगार्डिंग UGC नेट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो आपको जो चीज़ याद रखनी है और याद रखनी है कि B5 का नाम क्या है, दैट इज़ पेंटोथेनिक एसिड। उसके बाद आता है हमारा पायरेडॉक्सिन।
पायरेडॉक्सिन क्या होता है? हमारा विटामिन B6। उसके बाद हमारा फोलिक एसिड या फिर जिसको फोलेट कहते हैं वो आता है, और B12 दैट इज साइनोकोबेलामिन। इसमें हमें याद क्या करना है, जो मेन चीज़ पर जिसमें हमें ध्यान देना है कि जितने भी वाटर सोल्यूबल वाइटामिन हैं उनके अगर हम डाइटरी सोर्सेज की बात करते हैं तो मेनली हमारे प्लांट सोर्सेज हैं। जो एक्सेप्शन आती है वो एक तो आती है हमारी यहाँ पे नाइसिन में, उसमें थोड़ा सा एनिमल सोर्सेज में ज़्यादा आता है, और दूसरा आता है हमारा B12 दैट इज साइनोकोबेलामिन। उसके जो रिच सोर्सेज होते हैं वो हमारे एनिमल सोर्सेज होते हैं, चीज़ हो गया, एग हो गया, बटर हो गया, तो जितने भी एनिमल सोर्सेज होते हैं या फिर नॉन वेजिटेरियन की भी अगर हम बात करें तो वो आते हैं हमारे B12 में। उसके अलावा जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिंस हैं उनके सोर्सेज होते हैं हमारे प्लांट सोर्सेज। बाकी के जो बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन हैं उनमें जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो चीज़ याद रखनी है, ज़रूर याद रखनी है कि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से जो होता है वो होता है हमारा मेगलोब्लास्टिक अनीमिया, और B12 की डेफिशिएंसी से जो हमारा होता है वो होता है हमारा परनीशियस अनीमिया। ये टर्म्स ज़रूर याद रखनी है क्योंकि ये रिपीटेडली एग्जाम में पूछी जाती हैं। उसके अलावा जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो मैंने बता दिया है कि RDA की अलग से क्लास होगी क्योंकि RDA की नई टेबल आई है 2020 की, तो वो सारा हम उसमें कवर करेंगे। जो जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है इनके नाम याद रखना, इनकी क्या रिक्वायरमेंट है वो याद रखना, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इनकी डेफिशिएंसी याद रखना। नाम तो याद रखना ज़रूरी होता ही है। जो अभी आज की हमारी क्लास हुई उसमें हमने कवर किया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारा विटामिंस वाला पोर्शन, जिसमें हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिंस को हमने कवर किया। उसके बाद जो फैट सोल्यूबल विटामिंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और जो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और डेली रिक्वायरमेंट्स है वो भी हम एक अलग से उनकी क्लास लेंगे, उसमें कवर करेंगे। थैंक यू।